यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे कुछ भारतीय मेडिकल छात्रों ने आरोप लगाया है कि पोलैंड से सटे यूक्रेनी चेक पोस्ट पर उनसे दुर्व्यवहार किया गया। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। चलिए tribunehindi.com में आज इसी पर बात करते हैं। भारतीय छात्रों ने कहा कि उन्हें लगभग बंधकों जैसी स्थिति में रखा गया और जमा देने वाली ठंड में भी खाना और पानी तक के लिए तरसना पड़ा। छात्रों का आरोप है कि उनके साथ ये बर्ताव इसलिए किया गया क्योंकि भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई है। छात्रों ने ऐसे वीडियो भी शेयर किए हैं जिनमें सैनिकों को हवा में गोलियां चलाते और छात्रों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग करते देखा गया है। एक अन्य वीडियो क्लिप में एक यूक्रेनी गार्ड एक भारतीय लड़की को दूर धकेलता दिखता है। ये लड़की सैनिक के पैरों में गिरकर उनसे सीमा पार करने के लिए गुहार लगा रही है। कुछ छात्रों का कहना है कि यूक्रेन के लोग भी अब उनके विरोधी हो गए हैं। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद सैकड़ों भारतीय छात्रों को वहां से निकालकर भारत लाया गया है, लेकिन अभी भी वहां की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने गए हजारों छात्र पोलैंड से सटी सीमा में फंसे हुए हैं। युद्ध से बचने के लिए बहुत से छात्र ट्रेन, गाड़ी या बस से वहां तक पहुंचे हैं। कुछ छात्र तो मीलों दूर पैदल सफर करते हुए बस इस आस में सीमा तक पहुंचे हैं कि किसी तरह उन्हें दूसरे देश में प्रवेश मिल जाए। अमित लाथ के मुताबिक रविवार दोपहर तक 250 से भी कम भारतीय छात्र यूक्रेन की सीमा पार कर पोलैंड पहुंच सके। अमित लाथ पोलैंड में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर भारतीय छात्रों के बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। पोलैंड में इन छात्रों को होटल में रखा गया है। अमित लाथ कहते हैं कि उन्हें अभी भी यूक्रेन में फंसे हजारों छात्रों की चिंता है। यूक्रेन में फंसे अधिकांश भारतीय छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। यूक्रेन के साथ ही रोमानिया और बुल्गारिया जैसे अन्य पूर्वी यूरोपीय देश मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की पहली पसंदीदा जगहें हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को विस्तार से बताया है कि आखिर छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए इन देशों को ही क्यों चुनते हैं। आपको बता दें कि इन देशों के कॉलेजों में दाखिले के लिए नियम काफ़ी आसान हैं। यहाँ भारत की तुलना में प्रतिस्पर्धा भी कम है और साथ में यूरोप में मेडिकल की पढ़ाई भारत से सस्ती पड़ती है। हालांकि इन देशों के कॉलेजों से मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद भारत में प्रैक्टिस करना चुनौतीपूर्ण है। विदेशी मेडिकल संस्थानों से स्नातक करने वाले सभी छात्रों को भारत में प्रैक्टिस करने या फिर आगे की पढ़ाई करने से पहले एक लाइसेंस परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी कि FMGE कहा जाता है और इससे पास होने वालों की दर भी बेहद कम होती है। जो लोग भारत में मेडिकल शिक्षण संस्थानों की निगरानी करने के लिए बनी एजेंसियों में काम करते हैं उनका कहना है कि अंग्रेजी में विदेशी छात्रों को यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करवाने वाली यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए कोई नियम तय नहीं है। साल 2018 के बाद से भारत ने MBBS की पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए भी NEET UG की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया था। भारत में मेडिकल शिक्षण संस्थानों की निगरानी करने वाले एजेंसी के साथ काम कर रहे एक वरिष्ठ डॉक्टर कहते हैं, अगर आप पूर्वी यूरोपीय देशों रूस या चीन जाने वाले छात्रों को देखेंगे तो उनमें से अधिकांश को NEET UG में 20% से भी कम अंक आते हैं। भारत के निजी कॉलेज तक के लिए कट ऑफ करीब 60% के आसपास है। यूक्रेन में करीब 6 साल की MBBS पढ़ाई पूरी करने में 15 से 20 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। वहीं भारत में निजी कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपये तक का खर्चा आता है। यहाँ ये पढ़ाई कम समय में पूरी होती है। यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज चुनने के पीछे एक और कारण यह है कि यहाँ विश्वविद्यालय यूरोपियन क्रेडिट सिस्टम पर चलते हैं। इससे छात्रों के लिए कोर्स के दौरान यूरोप में अपने संस्थान बदलना आसान होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला इकाई राष्ट्रीय सेविका समिति ने रविवार को कहा कि लड़कियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही शादी करनी चाहिए क्योंकि उन पर शादी की उम्र थोपने से वो परिणाम नहीं मिलेगा जिसकी उम्मीद की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए tribunehindi.com। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें tribunehindi.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।